अगली खबर है मैनपुरी से, जहां पर प्रेमी युगल ने खुद को गोली मारी है। गोली मारने का वीडियो भी वायरल हो गया है। प्रेमी ने पहले प्रेमिका और फिर खुद को गोली मारी है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रेमी की हलचल, तो प्रेमी ने पहले प्रेमिका को और बाद में खुद को गोली मारी है और प्रेमी की हालत नाजुक बताई जाती है। सैफई पीसीआई में उसे भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस ने तमंचा बरामद कर दिया है। थाना बेवर इलाके के गग्गरपुर के पास की यह घटना बताई जाती है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रेमी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। मौके से पुलिस ने तमंचा बरामद कर लिया है। थाना बेवर इलाके के गग्गरपुर के पास की है ये पूरी घटना। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी से खबर है, प्रेमी युगल ने खुद को गोली मारी है। तो प्रेमी युगल ने खुद को मारी गोली और गोली मारने का वीडियो भी सामने आया है। तो गोली मारने का वीडियो भी सामने आया। गोली लगने से प्रेमिका की मौत हो गई है। तो गोली लगने से प्रेमिका की मौत हो गई। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता दें, गोली लगने से प्रेमिका की मौत हुई है और प्रेमी युगल ने गोली मारी जिसमें प्रेमिका की मौत हो गई है, लेकिन प्रेमी की हालत नाजुक बनी हुई है और सैफई पीजीआई में उसे भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौके से पुलिस ने तमंचा बरामद कर लिया है। तो मौके से पुलिस ने तमंचा बरामद कर लिया है और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता चंद्रजीत जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, क्या वजह थी आखिर यहाँ पर गोली मारे जाने की बात सामने आ रही है? मैडम, ये पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र का है, जहाँ कल दो प्रेमी जोड़ों ने पहले गोली प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और इसके बाद खुद गोली मारी थी। दोनों घायल अवस्था में मिले थे और जिससे प्रेमिका की जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था और वही घायल जो अंकित है उसको सैफई मेडिकल भेजा गया था। आज उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लाइव वीडियो में प्रेमी ने प्रेमिका गोली मारी है और इसके बाद उसने स्वयं को खुद को गोली मारी है। जी शुक्रिया चंद्रजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यह आम खबर मैनपुरी से, जहां पर प्रेमी युगल ने खुद को गोली मारी। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और बाद में खुद पर भी गोली चलाई है। इसमें प्रेमिका की तो मौत हो गई है, लेकिन प्रेमी फिलहाल गंभीर रूप से यहाँ पर घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।